ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सेलिब्रेशन है जो CCL में भोजपुरी दबंग ने जो कुछ किया है उसका ये सेलिब्रेशन है। और एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक्टर्स 1.5 महीना के इवेंट के बाद फिर वापस अपने घर में आ गए हैं, ये उसका फंक्शन है। तो हमारा जो भी कदम है वो भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचा उठाने में है और उसके लिए हम लोगों ने ये आपस में सेलिब्रेशन रखा। आज सब गोल्ड मेडल के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, ये गोल्ड मेडल नहीं था, ये ब्रॉन्ज मेडल था। तभी तीसरे स्थान पे हम लोग आए हैं पूरे देश में, बट बहुत जल्दी हम लोग गोल्ड मेडल पाने के लिए लड़ेंगे, इसलिए सबको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। नहीं, हम उनके साथ चल रहे हैं, हम किसी को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। सच्चाई ये है कि इसी बहाने भोजपुरी इंडस्ट्री एकजुट हुई है और ये बहुत अच्छा बात बटे कि सब लोग अच्छा फील कर रहे हैं, अपनापन फील कर रहे हैं। शोहरत सबको साथ ला देती है और हमको मिल के चलने में शोहरत और बिजनेस दोनों है। बस कुछ नहीं, आप सब लोग भोजपुरी के प्यार कर लीजा, तो जहाँ भी मौका मिली भोजपुरी आप लोगों के मान बढ़ावे की कोशिश करी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। थैंक यू।